सावन साहब गुड मॉर्निंग. सावन साहब आपका प्रेफर्ड आइडिया. आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों का नमस्कार. तो एक स्टॉक जो काफी अच्छे सपोर्ट पे आया है, जो मुझे लग रहा है, वो है कोफोज. और कल की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 5,200 के करीब क्लोज हुआ है. मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 5,125. जो टारगेट में देख रहा हूँ वो करीबन 5,330 के आसपास देख रहा हूँ. 5,330 चार्ट्स पे. सावन साहब, टाटा मोटर्स कैसा प्लेस्ड? सावन साहब अनम्यूट करना है अपने को. जी आशीष जी, ओवरऑल अगर टाटा मोटर्स के स्ट्रक्चर को देखें तो काफी वक्त से कंसोलिडेशन जोन में, और जिसका निचला लेवल करीबन 600-610 के आसपास, और जो ऊपरी रेंज है वो 640 के आसपास है. अभी भी मुझे लग रहा है ये रेंज के निचले लेवल के नजदीक है, तो रिस्क कम है. तो कोई लेना चाहे तो 605 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, 605. और आपका टारगेट इवेंचुअली जो रेंज का हाई है 640 वहां तक हो सकता है. बट इस स्टॉक में बड़ी मूव तब आएगी जब ये 640 के ऊपर क्लोज हो जाए, और वहां से मुझे लग रहा है फिर ये 660-670 के जोन तक भी जा सकता है. फिलहाल 605 का स्टॉप लॉस और 640 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं. प्रशांत सावन जी, आपकी ट्रेड. जी अनुज जी, मैं डॉक्टर रेडीज को ट्रैक कर, मेरा स्टॉप लॉस होगा 5,390 5,390 और टारगेट होगा 5,600 का. प्रशांत, आपका टेक 873.50 टाटा कंज्यूमर, और अब दोनों ही एवरेजेस को जो 10-20 डे मा लास्ट परसिस्ट कर रहे थे क्रॉस होते हुए इस वक्त, आपका कोई व्यू यहाँ पर? जी वीरू जी, ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है पहली बात. दूसरी बात यह है कि जो बिकवाली आई थी उसमें वॉल्यूम बहुत कम थे. हम ऑलमोस्ट जो 20 डे एसएमए है वहां पे अप्रोच कर रहे हैं. मेरे हिसाब से अगर हम 875 के ऊपर सस्टेन करें तो ये स्टॉक बहुत कंफर्टेबली 900 तक जा सकता है. फिलहाल इस लेवल पे 860 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप 890 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं. प्रशांत जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूँ सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए. जी अनुज जी, रैमको सीमेंट मुझे काफी अच्छा लग रहा है. एक जो कल डिप आई थी वो मुझे लग रहा है बाय आउट हो चुकी है, और यहाँ पे जो इसका 950 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन करीबन 30 के आसपास चल रहा है. मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे 21 का होगा. जो टारगेट में देख रहा हूँ वो 45 से लेके 50 के हूँ. प्रशांत, आपकी आपका व्यू कोटक महिंद्रा बैंक पे? जी वीरू जी, यहाँ पे एक चीज जो नजर आ रही है कि एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बना रहा है, और 1750 ये इसके लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि पहले ये बहुत बड़ा सपोर्ट था. तो मैं थोड़ा वेट करूंगा और ये 1750 के ऊपर क्लोज हो जाए, उसके बाद यहाँ पे एक पोजीशन लेने के बारे में सोचूंगा. स्टॉप लॉस मेरा होगा 1725, तो वेट कीजिए 1750 के ऊपर क्लोज होने के लिए. ऐसे भी आरबीआई पॉलिसी है तो मुझे लग रहा है थोड़ा टर्बुलेंस होगा, बट 1750 स्पॉट इस स्टॉक के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होगा.